क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 32। 32 में जो है ना आपको इसको लेकर cos 2 थीटा का 10 में फॉर्मूला सारा पुट करना है, ये प्रूफ हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, तो लंबा बनेगा लेकिन इजी है। cos 2 अल्फा बराबर 3 cos 2 बीटा माइनस 1 बटा में है 3 माइनस cos 2 बीटा, यही है ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो cos 2 अल्फा का 10 के फॉर्म होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, ठीक है, बराबर में इधर भी 3 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा, ठीक है, माइनस 1 और बटा में उसी तरह से है 3 माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा। चलिए अब एलसीएम लेते हैं, तो एनएचएस में तो अभी वही डाल देंगे, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, बराबर में ऊपर एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा, यहाँ हो जाएगा आपका 3 में इंटू कर लीजिए 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर बीटा, है ना, माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 में इसे भाग करेंगे यही आएगा, ये जाके ऊपर गुणा करेगा ना 1 में, तो आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, समझ रहे ना, ये जाके ऊपर 1 में इंटू कर दिया। उसी तरह नीचे भी एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 1 है, 1 जाके 1 में इसे भाग करेंगे ये आएगा, ये जाके ऊपर इंटू करेगा ना, तो हो जाएगा 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर बीटा माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तो ये इसको और इसको काट सकते हैं। अगले स्टेप में देखिए आप, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, बराबर उसी तरह से यहाँ ब्रैकेट हटाइए 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर बीटा माइनस 1 और ये प्लस माइनस माइनस टेन स्क्वायर बीटा और बटा में हो जाएगा 3 प्लस टेन स्क्वायर बीटा माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर बीटा, ठीक है यहाँ तक। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए आपका 3 छूट रहा है ना यहाँ पे, चलिए यहाँ 3 लगा दीजिए। चलिए अगले स्टेप में देखिए, यहाँ पे यहाँ हम लोग लिखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, बराबर में देखिए 3 में से 1 गया 2 माइनस 3 और 1 ये 4 हो जाएगा 4 टेन स्क्वायर बीटा, बटा में उसी तरह से यहाँ भी देखिए 2 3 में से 1 यहाँ माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ भी नीचे 2 प्लस 4 टेन स्क्वायर बीटा, ऊपर नीचे दोनों जगह 2 कॉमन है, 2 कॉमन करके पहले काट लेते हो तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, बराबर में हो जाएगा 2 कॉमन कर लीजिए 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर बीटा और बटा के नीचे भी 2 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा, ठीक है, यहाँ देखिए 2 2 कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा में इंटू हो जाएगा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा से और इसमें इससे, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा में इंटू हो जाएगा 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर बीटा से, ठीक है। चलिए अब इंटू करते हैं, तो इंटू करिएगा तो पहले 1 में इन दोनों से करेंगे तो जाएगा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा, अब ये माइनस टेन स्क्वायर अल्फा में दोनों से करेंगे तो माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा और प्लस माइनस माइनस का 2 टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा, ठीक है, ये इसमें इन दोनों से इंटू हो गया, बराबर में भी चलिए उधर 1 में जब इंटू करेंगे तो वही आएगा 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर बीटा, है ना, और फिर टेन स्क्वायर अल्फा में दोनों से करेंगे तो हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, यहाँ 1 1 भी काट दीजिए। अब एक काम करते हैं, टेन स्क्वायर अल्फा वाले को एक तरफ और बीटा वाले को एक तरफ, तो ये टेन स्क्वायर अल्फा प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, तो माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और बराबर में इधर इसको इधर लाएंगे तो माइनस 2 टेन स्क्वायर बीटा, और ये भी प्लस में है तो इधर आके माइनस का
टू टेन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। तो ये दोनों जोड़ दीजिए तो माइनस का टू टेन स्क्वायर अल्फा बराबर में हो जाएगा माइनस का फोर टेन स्क्वायर बीटा। यहाँ देखिए माइनस माइनस काट दीजिए, टू को इधर भाग में भेजिए तो हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा बराबर फोर टेन स्क्वायर बीटा बटा में टू। इसको इसे काट देना दो बार में, देखिए स्क्वायर को इधर भेज देते हैं रूट में, तो यहाँ हो जाएगा आपका टेन अल्फा बराबर रूट अंडर टू टेन स्क्वायर बीटा। तो स्क्वायर से रूट हटता है ना, तो टेन अल्फा बराबर हो जाएगा रूट दो पे तो रूट रहेगा, इस पे से रूट खाली हट जाएगा टेन बीटा। ये ना प्रूफ करना था, आ गया ना आपका, समझ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर